किसी ने खूबी कहा है, दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता, मेहनत करने से हर मुश्किल हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। मैं सीबी बदवा आपके साथ आपके अपने YouTube चैनल सीबी बदवा इंग्लिश क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने आपको कहा था, हर वीक के अंदर हमारा एक लेक्चर एंटोनियम सिनोनियम से रिलेटेड होता है, जो कंपटीशन टेस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा मददगार होता है। आप भी जब मेरी इस वीडियो को देखते हैं या मेरे इस लेक्चर को आप बड़े गौर से सुनते हैं, तो गैस आप भी कीजिए कि इस एंटोनियम्स का अपोजिट वर्ड क्या होगा, इसका विपरीत अर्थक वर्ड हमें देखना होता है। जैसे कि एंटोनियम्स अपोजिट वर्ड है, यहाँ पर एंटोनियम्स को जैसा कि क्या कहा जाता है, विपरीतार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है। इसके अंदर हमने ये देखना होता है कि मैक्सिमम इसके साथ ऑप्शन में कौन सा वर्ड ऐसा है जिसको आप ये कह सकते हैं कि ये इसका अपोजिट बिल्कुल ओके है। जैसा कि मेरा पहला वर्ड एस्लीप, एस्लीप वर्ड का मतलब क्या होता है, एस्लीप का मतलब क्या होता है, सोया हुआ। क्या होता है स्लीप मीन सोया हुआ, एक व्यक्ति स्लीप सोया हुआ होता है, दूसरी तरफ हम कहते हैं कि वह आदमी बहुत अवेक अवेक जागा हुआ, अवेक अवेकनिंग जागरूकता वर्ड होता है। और यहां पर स्लीप का मतलब सोया हुआ, अवेक मतलब जागा हुआ व्यक्ति होता है, उसको क्या कहते हैं अवेक। अराइव, अराइव जैसा कि नाम से पता है अराइव का मतलब क्या होता है, आना। क्या होता है अराइव का मीनिंग आना। यदि अराइव मीन आना है तो इसका अपोजिट क्या होगा, एक तो आया जाता है या दूसरे हमारे से क्या होते हैं, जुदा होते हैं। और जिसको हम क्या कहते हैं, कोई चीज जुदा होती है तो उसको क्या बोलते हैं, डिपार्ट, डिपार्चर वर्ड भी यूज करते हैं, डिपार्ट मीन क्या होता है, जुदा होना। नेक्स्ट हमारा वर्ड डिस्पेयर, डिस्पेयर का मीन क्या होता है, डिस्पेयर मीन क्या होता है, निराशा। जहां निराशा है वहीं पर क्या है, आशा है, जहां निराशा है वहीं पे आशा है। तो आपने यहां पर निराशा के साथ आपका अपोजिट वर्ड क्या लगेगा, होप। होप मीन क्या होता है, आशा। आशा आदमी को कभी भी निराशा में कभी आशा नहीं छोड़नी चाहिए, ऐसा अक्सर हम सुनते हैं। ड्राई का मीनिंग क्या होता है, हम मोस्टली वर्ड यूज करते हैं ड्राई, ड्राई वर्ड यूज करते हैं। ड्राई मीन क्या होती है, कोई चीज सूखा हुआ, सूखा हुआ है उसको हम क्या कहेंगे, ड्राई। और दूसरा इसका अपोजिट जो होगा वो हम क्या करेंगे, वेट। वेट मीन क्या होता है, गीला, और ड्राई मीन क्या होता है, सूखा हुआ। दूसरी तरफ वेट क्या होता है, गीला हुआ। डायनामिक, लाइफ इज डायनामिक, जीवन गतिशील है। जब तक हम कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे तब तक हमारी कीमत है, हमारी वैल्यू है। डायनामिक मीन क्या होता है, गतिशील, लाइफ इज डायनामिक, जीवन गतिशील है, इसमें कार्य करना पड़ता है। एक चीज हो जाती है डायनामिक, जिसको क्या बोलते हैं, गतिशील, और एक चीज क्या होती है, निष्क्रिय हो जाती है, इनएक्टिव, इनएक्टिव जिसको हम क्या बोल देते हैं, निष्क्रिय वर्ड यूज कर देते हैं, भी वो चीज किसी प्रोसेस में नहीं है, स्टेबल है, रुकी हुई है। तो यहाँ पर डायनामिक का क्या होता है, इनएक्टिव होता है, निष्क्रिय होता है। नेक्स्ट हमारा है कॉमिक, कॉमिक हास्य कलाकार होते हैं, कॉमिक क्या होते हैं, हास्य कलाकार। कई बार क्या होता है, हास्यकार को इंग्लिश के अंदर क्या कहा जाता है, कॉमिक कहा जाता है। और एक हास्यकार होता है, दूसरी कई बार क्या होता है, हास्य और कॉमिक हास्य वर्ड यूज करते हैं। और यहां पर क्या यूज करते हैं हम, ट्रेजिक, ट्रेजिक क्या होता है, दर्दनाक, कोई चीज है, कोई घटना है जिसको देखकर हमें हंसी आती है, और कोई घटना है जिसको देखकर हमें दुख आता है, ट्रेजिक, ट्रेजिडी होती है कोई भी, तो हम उसके लिए ट्रेजिक वर्ड यूज करते हैं, और हास्य के लिए कॉमिक वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा लैंड, कहा जाता है लैंड, जमीन पर, लैंड क्या होता है, जमीन, और इसका अपोजिट कभी भी होगा, माइंड में आता है हमारे, एयर हो सकता है, स्काई हो सकता है, लेकिन इसका प्रॉपर जो एंटोनियम्स आपको मिलेगा, लैंड का जमीन, या इसका क्या मिलेगा, वाटर, पानी, जमीन का क्या मिलेगा, पानी, जमीन या पानी। नेक्स्ट आपका ये सेवन हमारे हो चुके हैं, सेवन के बाद
हमारा नेक्स्ट आ रहा है एट, एट वर्ड हमारा है लिबर्टी। लिबर्टी क्या होती है आपको पता है, हमारी फ्रीडम, आजादी, जिसको हम क्या कहते हैं लिबर्टी वर्ड यूज करते हैं। लिबर्टी, लिबर्टी क्या होती है, लिबर्टी वर्ड हम किसको कहते हैं, आजादी को। क्या कहते हैं, आजादी को क्या कहा जाता है, लिबर्टी। एक तो आजादी होती है किसी के अंदर में काम किया जाता है, दासता के अंदर काम किया जाता है, मजबूरी के अंदर। स्लेवरी, स्लेवरी वर्ड क्या होती है, दासता। स्लेवरी क्या होती है, दासता। स्लेव वर्ड हम बहुत बार पढ़ते हैं नॉवेल्स के अंदर या लिटरेचर की लैंग्वेज के अंदर, कहीं भी हम पढ़ते हैं तो हम लिबर्टी का स्लेवरी, स्लेव वर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है। दास्ता शब्द, दास्ता पर बहुत सी स्टोरीज होती हैं। लिस्ट, लिस्ट में क्या होता है, बहुत कम। लिस्ट में क्या होता है, बहुत कम। एक साइड में अगर लिस्ट में बहुत कम होगा तो दूसरी तरफ क्या होगा, दूसरी तरफ होगा बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा के लिए हम वर्ड यूज क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट, बहुत ज्यादा। नेक्स्ट वर्ड आपका होगा प्रोलॉग। क्या होगा, प्रोलॉग, किसी चीज का आरंभ करना। क्या करना, किसी चीज का आरंभ करना, बिगिनिंग करना, शुरुआत करना। प्रोलॉग में क्या होता है, आरंभ। इसका क्या बनाएंगे हम, एपिलॉग। एपिलॉग क्या होता है, अंत। क्या होता है, एपिलॉग, अंत। रिलीफ, आई एम फीलिंग रिलीफ, आई रिलीफ, रिलीफ। रिलीफ मीन क्या होता है, राहत होती है। क्या होती है, रिलीफ मीन राहत होती है, या हमें किसी से मिलने पर राहत मिलती है। और रिलीफ या कुछ ट्रबल होता है, ट्रबल को क्या बोलते हैं, टी आर ओ यू बी एल ई। ट्रबल मीन क्या होता है, कष्ट। और मिजर मीन क्या होता है, मिजर मीन क्या होता है, कंजूस आदमी को क्या कहा जाता है, मिजर वर्ड यूज किया जाता है किसके लिए, कंजूस के लिए। दूसरी तरफ क्या होता है, स्पेंड थ्रिफ्ट, खर्चीला। एक आदमी क्या होता है, मिजर होता है, कंजूस होता है, स्पेंड थ्रिफ्ट होता है, खर्चीला आदमी जो खर्चा खुला करता है। अपोजिशन, अपोजिशन मीन क्या होता है, किसी का विरोधी। अपोजिशन क्या होता है, विरोधी में, विरोधी, या किसी को सहारा दिया जाता है तो हम क्या कहते हैं, स्पॉट। बट आई एम अगेंस्ट हिम, मैं उसके विरुद्ध हूं, अपोजिशन में हूं। और दूसरी तरफ क्या होता है, हमारा वर्ड स्पॉट। क्या होता है, स्पॉट। नेक्स्ट है हमारा इंडोलेंट। इंडोलेंट मींस क्या होता है, इंडोलेंट करना किसी चीज को। इंडोलेंट मींस आलसी। क्या होता है, इंडोलेंट मींस आलसी व्यक्ति को कहा जाता है, लेजी पर्सन को, आइडियल किसी निकम्मे आदमी को, या इंडोलेंस आलसी को कहा जाता है। दूसरी तरफ में हमारा क्या होता है, अपोजिट, एक्टिव व्यक्ति होता है, योग्य और चतुर व्यक्ति को बोला जाता है इसका अपोजिट, इंडोलेंस का। नेक्स्ट हमारा लास्ट वर्ड एट्रोसियस। एट्रोसियस, एट्रोसियस मीन्स होता क्या है, एट्रोसियस को हम क्या लेते हैं, कई आदमी एट्रोसियस होते हैं, दुष्ट व्यक्ति होती है। क्या होते हैं, दुष्ट व्यक्ति। जब हम किसी को देखते हैं बहुत पीड़ा दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, हम उसको कहते हैं कि वो एट्रोसियस पर्सन है, एट्रोसियस दुष्ट व्यक्ति को कहा जाता है। दूसरी तरफ से नोबल पर्सन होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, नोबल मीन नेक। क्या कहते हैं, नोबल मीन नेक। एक बार इसकी रीडिंग जरूर किया करें, एस्लीप, अवेक, अराइव, डिपार्ट, डिस्पेयर, होप, ड्राई, वेट, डायनामिक, इनएक्टिव, कॉमिक, ट्रेजिक, लैंड, वाटर, लिबर्टी, सैलरी, लिस्ट, ग्रेटेस्ट, प्रोलॉग, एपिलॉग, रिलीफ, ट्रबल, मिजर, स्पेंडथ्रिफ्ट, अपोजिशन, स्पॉट, इंडोलेंट, एक्टिव, एट्रोसियस, नोबल। इस तरह से एंटोनियम्स की क्लास के अंदर हम कुछ सिलेक्टेड अपोजिशन, अपोजिट वर्ड लेकर आते हैं, और उन अपोजिट वर्ड्स को आपने बड़े सही ढंग से और बड़े तरीके के साथ करना होता है। इसी तरह से कंटिन्यू आपकी क्लास, नेक्स्ट लेक्चर भी आपको मिलेगा। और इस तरह से वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। आपका थैंक यू।